हर बजट का एक परिवेश होता है, हर बजट का एक माहौल होता है, और वही परिवेश बजट कैसे बनना चाहिए, उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसको निर्धारित करता है। इस बजट के पहले देश में व्यापक रूप से छाई हुई बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, वेतन जो निरंतर कम हो रहे हैं, रूरल डिमांड जो डिप हो गई है, वो थी और यही सरकार की प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी। लेकिन जबानी जमा खर्च तो विकसित भारत पे बहुत किया गया, असलियत सरकार के खुद के आंकड़े, बजट के खुद के आंकड़े बयां कर रहे हैं। विकसित भारत करेंगे, कैसे होगा भारत विकसित? कृषि पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर जो इस साल का बजट था उससे भी कम खर्च करने का काम इस सरकार ने किया है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर कम खर्च करके, उस पर कटौती करके, उस पर कैंची चला के आप विकसित भारत बनाएंगे? चलिए अगले वर्ष की बात करते हैं। इस वर्ष सरकार ने रक्षा पर, फूड सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, खाद और खाद्य सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च किया, अगले साल उसमें कटौती कर दी गई। ये विकसित भारत बनने की बातें हो रही है। अब आगे की बात करते हैं। सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाकी, लेकिन जो रूरल अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वेतन और आय लगातार गिर रहे हैं, वहां पर डिमांड पूरी तरह से ठप हो गई है, इसीलिए कंजम्पशन खत्म हो गया इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंजम्पशन आधा हो गया बनिस्पत पिछले साल ही, लेकिन उसके बारे में कोई चिंता नहीं। लेकिन सरकार के आंकड़े दिखाते हैं कि दिक्कत और समस्या कितनी भयावह है। सरकार ने इस साल मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा था, खर्चा करना पड़ा 86,000 करोड़। 15.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मनरेगा में रजिस्टर किया, क्योंकि उनकी या तो शहरी नौकरियां या गांव में, रूरल क्षेत्र में जो नौकरियां थी वो चली गई, वो मजदूरी करने को विवश है। 86,000 करोड़ रुपए, 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चा करने पड़े। सरकार का अपना आंकड़ा दिक्कत बयां कर रहा है, लेकिन सरकार दिक्कत मानने को तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ बड़ी बातों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन या तो किसी और प्लैनेट पे रहती हैं या उनका आंकड़े का सोर्स ही कुछ और है। उन्होंने बिना पलक झपकाए कह दिया कि औसतन आय जो है वो 50% बढ़ गई है। कौन सा आंकड़ा ये दिखाता है? क्या गरीबी, क्या भुखमरी, क्या बेरोजगारी, क्या आर्थिक असमानता के आंकड़े ये दिखाते हैं? असलियत तो यह है कि सरकार के खुद के पीएलएफएस ने अपने सर्वे में कहा है कि मासिक आय लगातार 25% घटी है। तो या तो वो सर्वे और वो डेटा झूठा है, या आज भ्रमित करने का काम वित्त मंत्री ने किया है। बड़े बड़े जबानी जमा खर्च के बीच एक और बात हुई, ग्रोथ पर खूब सीना ठोका गया। 6.4% ग्रोथ आपको विरासत में मिली थी 2014 में, 10 साल बाद एवरेज ग्रोथ रेट 6% से कम है, और पिछले 4 साल की देख लीजिए तो 4% से भी कम है। इसके मायने समझते हैं ना आप लोग? ग्रोथ कम होने का मतलब है व्यवसाय कम होगा, ग्रोथ कम होने का मतलब है नौकरियां कम बनेंगी, ज्यादा बेरोजगारी, ज्यादा भुखमरी, ज्यादा महंगाई, ज्यादा आर्थिक असमानता, ज्यादा गुर्बत, ज्यादा गरीबी। लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है? वो जो बोल देंगे चरण चुंबक मंडली उसको चला देगी। फिस्कल डेफिसिट पे खूब पीठ ठोकी निर्मला सीतारमण जी ने अपनी। 4.8% पे मिला था आपकी सरकार को 2014 में, 5.8% पे है, पूरा 1% ज्यादा। 10 साल में एक बार भी आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नहीं मीट कर पाई हैं। अंत में एक ही बात कहूंगी, चेस की ग्रैंड मास्टर आपको याद आए निर्मला जी? काश हमारी इस देश की होनहार कुश्ती लड़ने वाली वो बेटियां भी याद आई होती जो न्याय की गुहार लगा रही थी, जिन्होंने अपने बड़े बड़े अवार्ड वापस किए, लेकिन आप लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। बहरहाल, आपकी प्राथमिकताओं की जो कच्चा चिट्ठा है वो तो आपने ही बयां कर दिया। ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूं जिसको वर्ड काउंट कहते हैं। निर्मला जी ने 42 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, 42 बार टैक्स का नाम लिया, लक्षद्वीप का भी नाम ले लिया, वंदे भारत का भी नाम ले लिया, एक बार भी जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्या ये प्राथमिकताएं नहीं है? असलियत तो यह है कि यह देश आपके जुमलों से और आपकी प्राथमिकताओं से जो गलत है उससे उग चुका है। बस अब थोड़े ही दिनों की बात है, छुटकारा मिलने वाला है आपसे।